अब हम लोग ऑप्शन डी के लिए चेक करेंगे कि डी किससे मेल खा रहा है। तो हमको पी एन यहाँ पे दिया हुआ है पी वन समेशन वन माइनस वन अपॉन के के प्लस वन सी टू। तो के प्लस वन सी टू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू के प्लस वन माइनस टू का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के प्लस वन इंटू के माइनस वन, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ये टू का फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं ये के माइनस वन का फैक्टोरियल। तो के माइनस वन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, के प्लस वन इंटू के बाई टू। अब हमारे पास पी एन दिया हुआ है, तो पी एन को हम लिखेंगे पी एन इजक्वल टू कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, के इजक्वल टू टू से लेकर के ये अन तक दिया हुआ है, और इसको लिख सकते हैं वन माइनस वन अपॉन, और इसका वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे के प्लस वन इंटू के। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये के इजक्वल टू टू से लेकर के एन, और ये सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के स्क्वायर प्लस के माइनस वन अपॉन के इंटू के प्लस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पर हमको क्या मिलेगा, के इक्वल टू टू से लेकर के एन तक, और ये मिल जाएगा हमको के प्लस टू इंटू के माइनस वन और अपॉन में के इंटू के प्लस वन। यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के इंटू फोर टू इंटू फाइव थ्री इंटू सिक्स, और क्या मिलेगा, फोर इंटू सेवन, ऐसे ऐसे करके ये मिलता चला जाएगा। तो हमको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन और एन प्लस टू, और इसके अपॉन में हमको क्या मिलेगा, अपॉन में हमको मिलेगा, अगर हम क्या लिखेंगे टू रखेंगे तो क्या मिलेगा, टू इंटू थ्री थ्री इंटू फोर फोर इंटू फाइव, ठीक है, और फाइव इंटू सिक्स। यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे, तो एन के लिए लिखेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन लिखेंगे। यहाँ से जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू, ऐसे ऐसे करके हमको एन तक मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, और सेकेंड पार्ट में हमको क्या मिलेगा, फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, ऐसे ऐसे करके हमको मिलेगा एन प्लस टू। अपॉन में क्या मिलेगा हमको लिखेंगे तो, अपॉन में हमको मिलेगा टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू, ऐसे ऐसे करके हमको एन तक, और दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ऐसे करके एन प्लस वन मिलेगा। यहाँ पर एन माइनस वन मिलेगा हमको, एन माइनस वन तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन टू थ्री के यहाँ से एन तक जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एन माइनस वन तक है, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, यहाँ एन माइनस वन कहीं से यहाँ तक लाई करेगा, तो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वन अपॉन एन, और इंटू इसके लिए जब करेंगे तो एन प्लस वन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं एन प्लस टू और अपॉन में थ्री, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ भी पूरा कट कैंसिल हो जाएगा थ्री को छोड़ करके, और यहाँ पे फोर फाइव से यहाँ तक पूरा ले लेंगे, और एन प्लस वन, तो इसके पहले एन प्लस वन हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा एन प्लस वन, और थ्री थ्री यहाँ से फोर से यहाँ तक यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमको एन प्लस टू इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए लिमिट जब निकालेंगे, तो इसके लिए जब हम लोग लिमिट लिखेंगे, लिमिट एन एन टेंस टू इन्फाइनाइट एन प्लस टू अपॉन थ्री एन, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन बाई थ्री, तो ए बाई बी इजक्वल टू मिल गया वन बाई थ्री, हमको मिला यहाँ से ए इजक्वल टू और वन और बी इजक्वल टू थ्री, तो बी माइनस ए की वैल्यू हमको मिल गई टू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके लिए, डी के लिए भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो थैंक यू।